श्री गणेश, कैसे हैं आप सब। प्रेडिक्शन है आज का गुरु ग्रह के मृगशिरा नक्षत्र की ट्रांजिट के बारे में। जुपिटर इन मृगशिरा में ट्रांजिट शुरू हो चुका है 20 अगस्त 2024 से लेकर 28 नवंबर 2024 तक, यानी कि 2 महीना ऊपर 8 दिन का जो पीरियड है, ये गुरु का ट्रांजिट मंगल के नक्षत्र में मृगशिरा में क्या परिणाम देने वाले हैं जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो गुरु 20 अगस्त को मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में ट्रांजिट शुरू किया है, जो 21 सितंबर तक प्रथम चरण के अंदर है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में भ्रमण करेंगे और ये ट्रांजिट रहेगा 28 अक्टूबर तक। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 9th ऑफ अक्टूबर को गुरु वक्री होने वाले हैं। तो वक्री होकर जो गुरु मृगशिरा के दूसरे चरण में वक्री होंगे और 28 अक्टूबर 2024 को गुरु प्रथम चरण में चलेंगे मृगशिरा के, और जो प्रथम चरण चलेगा एग्जैक्टली 1 महीना 28 नवंबर तक। तो गुरु का ये ट्रांजिट मृगशिरा का ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो कोई भी काम करते हैं, ये जातकों का कामकाज बढ़ने वाला है। मेडिकल इंडस्ट्री में भी नए नए रिसर्च हो सकते हैं और मेडिकल इंडस्ट्री में भी कुछ बड़े बदलाव आने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ जो मिलिट्री फील्ड है, पैरामिलिट्री है, मेडिकल के साथ साथ पैरामेडिकल फील्ड है, इसमें भी कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं। इस प्रकार का आपको कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मृगशिरा नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है। अब जो जुडिशरी सिस्टम है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं, क्योंकि ग्रहों का जो इम्पैक्ट है नॉट ओनली इन इंडिया बट इट इज़ वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ऊपर से ग्रह इफेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र ओनली इंडिया को इफेक्ट करने वाला है, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जुडिशरी सिस्टम जो है वो अग्रेसिवली काम करेंगी और जो न्याय है ये सबको जल्दी मिलेगा। इस प्रकार की आप घटनाएं आपको देखने को मिलेगी 28 नवंबर से पहले। तो बहुत अच्छी बात है, गुरु एक गुरु के लिए ये मित्र नक्षत्र है, खुद गुरु खुद के लिए ये मित्र नक्षत्र हैं, क्योंकि जो इससे पहले वाला गुरु का नक्षत्र था रोहिणी, इसमें गुरु का फल ठीक नहीं था, क्योंकि चंद्र का नक्षत्र है और चंद्र को गुरु शत्रु मानते हैं। और वैसे भी ये गुरु का वध नक्षत्र था रोहिणी, लेकिन ये नक्षत्र मंगल का है तो इसमें गुरु, ये गुरु का मित्र नक्षत्र है, तो इसके कारण क्या है कि गुरु का फल इसमें अच्छा रहता है। अब किसके लिए ज़्यादा अच्छा है, किसके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला है, गुरु टेंशन देते हैं लेकिन वो भी अच्छे के लिए होता है, क्योंकि कभी समझो कि आपको कुछ बॉडी में कोई घाव लग गया और वो उसमें जो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो उसको काटना पड़ता है, तो वो आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर मेरा जो है वो काट सर्जरी करके, लेकिन वो अच्छे के लिए है। पहले आपको दुख होता है, पीड़ा होती है, लेकिन वो अच्छे के लिए होता है। ऐसे ही गुरु स्ट्रेस भी देते हैं तो उसका भी रिजल्ट तो आने वाले समय में शुभ रहेगा। तो मृगशिरा नक्षत्र में वृषभ राशि के अंदर गुरु का जो फल है, धन स्थान के अंदर है मेष राशि के लिए, पारिवारिक समस्या क्रिएट ना हो उसका आपको खास केयर करना पड़ेगा। वाणी में संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर आँखों का विशेष केयर करना होगा और
नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो अश्विनी के लिए प्रत्यारी नक्षत्र है, यानी कि पारिवारिक सदस्यों की ओर से आपका ऑपोजिशन है। भरणी के लिए एक स्वयं तारा है तो ठीक है। कृतिका के लिए वंस अगेन ये विपत्त नक्षत्र है तो सबसे ज़्यादा अशुभ फल मिलेगा। हु आर बॉर्न इन मेष कृतिका, जिनका भी जन्म का सूर्य कृतिका है या चंद्र कृतिका है, ये दोनों जातक भारी तनाव महसूस करेंगे पारिवारिक मामलों को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर। तो यही डिफरेंस है नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी का, के नक्षत्र ग्रह का बदलने के कारण और आपका और गुचो ट्रांजिट का नक्षत्र राशि एक ही है, लेकिन प्रत्येक अलग अलग नक्षत्र वाले जो हैं वो अलग अलग फल महसूस करते हैं। इसलिए तारा चक्र को जानना बहुत जरूरी है और इस तारा चक्र को आप अपने सूर्य राशि सूर्य नक्षत्र से भी चेक करें, क्योंकि ग्रहों का जो हमारे ऊपर फिजिकल इम्पैक्ट है वो सूर्य से है। तो दो नंबर के लिए बात करें, वृषभ राशि के लिए गुरु आपकी राशि के अंदर ही चल रहे हैं। अब नक्षत्र वृक्षशिरा है, वृषभ कृतिका के लिए ये विपत्त नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और तनाव वाली सिचुएशन जो वृक्षशिरा में वृषभ कृतिका में हुआ है, ये जातक थोड़ा सा स्ट्रेस तनाव महसूस करेंगे अपने हेल्थ को लेकर, या तो अपने जो माथा है इसके अंदर आपके हेड के अंदर कुछ प्रॉब्लम ना हो उसका केयर करना पड़ेगा। आपको हेडेक बढ़ सकता है क्योंकि गुरु जो है वो कुछ बड़ा करने का आपको थिंकिंग करवाएंगे, बड़ा कुछ होता नहीं है तो आपके लिए ये हेडेक जैसा हो सकता है। तो वृषभ कृतिका के लिए ये विपत्त नक्षत्र है, वृषभ रोहिणी के लिए संपत्त नक्षत्र है, आपकी आइडियोलॉजी आने वाले समय में सक्सेस होने वाली है। वृषभ वृक्षशिरा के लिए तो एक्सीलेंट फल रहेगा, क्योंकि जो नॉलेज के द्वार हैं ये आपके लिए खुलने वाले हैं, क्योंकि खुद गुरु आपको सिखाने के लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं। तो जैसे धन के द्वार खोलते हैं, ऐसे ही आपके ज्ञान के द्वार को खोल देंगे, तो आपकी जो नॉलेज है ये बढ़ने वाली है, आपकी सूझबूझ बढ़ने वाली है, तो बहुत अच्छी बात है। रोहिणी और वृक्षशिरा के लिए एक्सीलेंट फल रहेगा इसका, वृक्षशिरा के लिए भी एक्सीलेंट है, रोहिणी के लिए भी एक्सीलेंट है। मिथुन वृक्षशिरा के लिए गुरु 12वें स्थान में है और इसके कारण मकान वाहन प्रॉपर्टी के अंदर आप खर्चा करेंगे। मिथुन आद्रा के लिए अति मित्र नक्षत्र है, धार्मिक कार्य में शुभ कार्य में आप खर्च करेंगे। और मिथुन पुनर्वसु के लिए ये मित्र नक्षत्र है तो आपके लिए भी इसका फल शुभ है। गुरु की दृष्टि के कारण मकान वाहन प्रॉपर्टी के अंदर आप खर्चा करेंगे। ये गुरु की दृष्टि आपके सिक्स हाउस में भी होगी, जिसके इम्पैक्ट में खास करके आपको अपने मैटरनल साइड से भी लाभ रहेगा। अष्टम दृष्टि के कारण गुरु आपके नॉलेज में वृद्धि करने वाले बनेंगे, गुप्त ज्ञान में वृद्धि होगी और ये ट्रांजिट आपके लिए एक्सेलेंट फल देने वाला है। आपको अपने इन लॉस की ओर से भी बेनिफिट मिलेगा, कुछ गुप्त लाभ भी मिल सकता है। तो मिथुन राशि के लिए बात करें तो मिथुन का तो हो गया है मिथुन पुनर्वसु। अब कर्क राशि के लिए बात करें तो कर्क पुनर्वसु के लिए गुरु लावस स्थान में है। कर्क पुनर्वसु के लिए जो है ये मित्र नक्षत्र है, लेकिन पुष्य में जन्म जातकों के लिए ये वध नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस और तनाव रहेगा अपने मित्रों के साथ रिलेशनशिप में, या तो आपके संतानों के साथ रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि शुभ होती है, जिसके इम्पैक्ट में आपको अपने न्यू वेंचर करवाने वाले बनेंगे और जो भी जातक अविवाहित है उनको मैरिज एंगेजमेंट इत्यादि भी हो सकता है। कर्क आश्लेषा के लिए फल इसका एक्सीलेंट होगा, आपको मित्रों से लाभ रहेगा। पांच नंबर यानी कि सिंह राशि के लिए बात करें तो गुरु का ट्रांजिट 10वें स्थान में है, कार्य क्षेत्र में, और गुरु के लिए तो वैसे भी कहते हैं भावाति भाव दोष कारकम, जिस भाव में गुरु बैठ जाते हैं उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो इसके इम्पैक्ट में थोड़ा सा बिजनेस या कारोबार के रिगार्डिंग स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है।
यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल से भी आपको स्ट्रेस तनाव ज़्यादा मिल सकता है। तो यहाँ पर संघर्ष ना हो रिलेशन में फादर के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ, विवाहित जातकों को अपने इन लॉज के साथ ये सब सेक्टर में क्या करना होगा। लेकिन दृष्टि गुरु की शुभ है और इसके कारण मकान वाहन प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी, धन सुख में वृद्धि होगी, शत्रु विजय रहेगा। नक्षत्र ट्रांजिट क्या बोलती है, मघा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए अपने जॉब में अपर लेवल से भारी ऑपोजिशन हो सकता है। पूर्व फाल्गुनी के लिए एक सैम तारा है तो ठीक है, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी के लिए विपत नक्षत्र है तो आपके लिए भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल तनाव रहने वाला है इसका मृगशिरा नक्षत्र का। कन्या उत्तर फाल्गुनी के लिए भाग्य स्थान में है जो भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, लेकिन काम होगा लेकिन तनाव और स्ट्रेस के साथ होगा। कन्या चित्रा के लिए जन्म तारा में गुरु रहेंगे, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। कन्या हस्त के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। आपके लिए संपत नक्षत्र में जो गुरु है ये आपके भाग्य के द्वार को खोलने वाले हैं। तुला चित्रा के लिए और कन्या चित्रा के लिए मित्र नक्षत्र है। कन्या चित्रा के लिए भाग्य स्थान में है, तुला चित्रा के लिए आठवें स्थान में है। आठवें स्थान में गुरु का फल शुभ रहेगा तुला चित्रा के लिए जन्म तारा में, क्योंकि जन्म तारा की जो फ्रिक्वेंसी है ये मैच होती है, जिसके कारण आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, आपकी बचत में सेविंग में वृद्धि होगी, मकान वाहन सुख में वृद्धि होगी। तुला साथी के लिए भी फल इसका फल एक्सीलेंट है। तुला विशाखा के लिए मित्र नक्षत्र में है तो आपके लिए भी ठीक है। वृश्चिक राशि के लिए बात करें तो वृश्चिक में विशाखा के लिए मित्र नक्षत्र है, लेकिन हु आर बोर्न इन अनुराधा नक्षत्र तो ये जातकों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल और तनावपूर्ण इसका ट्रांजिट रहने वाला है। जिनका जन्म का सूर्य अनुराधा है या चंद्र अनुराधा है, ये दोनों जातकों को पब्लिक लाइफ में अपने मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे उसका खास ध्यान रखना जरूरी है। तो वृश्चिक अनुराधा के लिए सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा पब्लिक लाइफ के अंदर और इसके अलावा रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ। जबकि वृश्चिक ज्येष्ठा के लिए ये साधक नक्षत्र है जो आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला है और पब्लिक लाइफ में ये आपको सक्सेस देने वाला है। मूला के लिए ट्रांजिट सिक्स हाउस में है तो प्रत्यरी नक्षत्र है मृगशिरा, तो कहीं ना कहीं मैटरनल साइड के साथ आपका भारी ऑपोजिशन हो सकता है। पूर्व साढ़ा के लिए एक सैम तारा है तो ठीक है, उत्तराषाढ़ा के लिए ये विपत नक्षत्र है और साथ साथ योनि का भी दोष बनता है उत्तराषाढ़ा के साथ, तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। हू आर बॉर्न इन धनु उत्तराषाढ़ा, जॉब में साथ में काम करने वाले सहकर्मचारीगण आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करेंगे, मतलब यू कैन से योर हिडन एनिमी टाइप का बिहेवियर करेंगे। आपके मुंह के ऊपर कुछ और बोलेंगे, बॉस को कुछ और बोलेंगे, लड़ाएंगे और आपका जॉब जाने का भी खतरा बन सकता है उसके कारण। तो मकर उत्तराषाढ़ा के लिए गुरु पंचम स्थान में है तो जो भी जातक शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग कर रहे हैं ऐसे जातक थोड़ा सा ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस करेंगे अपने काम को लेकर, तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है, काम करना है कि कोई गड़बड़ ना हो आने वाले समय में, इसके कारण आपको कोई लॉस ना हो। मकर श्रवणा के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, ये गुरु कुछ न कुछ लाभ जरूर करेंगे। मकर धनिष्ठा के लिए भी लाभकारक है क्योंकि आपके लिए जन्म तारा में है, फिर भी शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग के लिए जो गुरु है ये दोषकारक माने जाते हैं पंचम स्थान में, तो जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं सोच समझ कर कार्य करें अपनी बुद्धि के अनुसार और किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के अनुसार। हालांकि ऐसा समय पे जो एक्सपर्ट भी होते हैं वो भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी बुद्धि को तो ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि आने वाले समय में ये ऐसा कुछ दिखता है कि आप ऐसा कोई बड़ा काम ना करें जिससे आपको बड़ा नुकसान हो। तो ये कहने का मतलब ये है, दो शॉर्ट खास करके मकर उत्तराषाढ़ा के लिए बात कर रहे हैं। और वैसे भी जो श्रवणा धनिष्ठा है
इतना खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु के लिए कहते हैं वो दोषकारक तो है जिस भाव में बैठते हैं। कुंभ राशि के लिए बात करें तो गुरु का ट्रांजिट सुख स्थान के अंदर है, जो मकान वाहन सुख में वृद्धि करने वाले हैं। कुंभ धननिष्ठा के लिए जन्मतारा है, सत्विशा के लिए अति मित्र हैं, पूर्व भाद्रपद के लिए मित्र हैं। तो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर का सॉल्यूशन अब आने वाला है। कुछ आप लेना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपका कार्य बनेगा, लेकिन जल्दबाजी में हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करना है। आपका काम बढ़ने वाला है, बिजनेस कारोबार आपका बढ़ने वाला है, कामकाज में प्रोग्रेस होने वाला है, आयुष्य बल में वृद्धि होने वाली है, धन सुख में वृद्धि होने वाली है, और कहीं ना कहीं एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अंतिम राशि मीन राशि के लिए गुरु का जो ट्रांजिट है ये पराक्रम भाव में है, साहस भाव के अंदर गुरु का जो चलना है ये बहुत शुभ परिणाम देने वाला है। और इसमें जो नक्षत्र ट्रांजिट है, मीन पूर्व भाद्रपद के लिए मित्र नक्षत्र है, लेकिन उत्तर भाद्रपद के लिए वध नक्षत्र है, तो रिलेशनशिप में आपको अपने भाई बहन, अपने नेबर्स, अपने पार्टनर के साथ प्रॉब्लम ना हो उसका क्या करना होगा। और मीन रेवती के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, आपके गुरु साधक नक्षत्र में हैं, तो आप ग्रैंड सक्सेस जोन में हैं। आप कुछ नया वेंचर करेंगे, इसमें आपको सक्सेस मिलेगा, लाभ मिलेगा। गुरु के जो ये वृक्षिरा नक्षत्र है, केतु के तीन नक्षत्र अश्विनी मघा मूला के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा शनि के तीन नक्षत्र हैं पुष्य, उत्तर भाद्रपद और अनुराधा, ये जातकों के लिए ठीक नहीं है। गुरु के मृगशिरा नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है, फिटिंग जगरी टू काउ, गाय को गुड़ खिलाना है। इसके अलावा आप भैंस को भी गुड़ खिला सकते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं, और भेड़ को भी, भेड़ और जो बकरियां होती हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा गुड़ का भुक्का करके टुकड़ा करके छोटा छोटा खिला सकते हैं। तो मंत्र इसके लिए क्या करना है, वेदोक्त मंत्र गुरु का इस प्रकार है, ओम देवानाम च ऋषिणाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। यह गुरु का वेदोक्त मंत्र है, अन्यथा सब ग्रह की शांति के लिए अभी सावन मास चल रहा है, मंत्र करें ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र से सब ग्रहों की शांति हो सकती है। मिलते हैं जल्दी एक और नए नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं।